Welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Satology means science or truth, the study of truth. Opposite to that is mythology, which means science or study of fake loud imagination. Satology के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हम लोगों को सपोर्ट भी करिए पेपाल पे या फिर आप सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन पे या फिर आप अनेक दूसरे डोनेट यूट्यूब चैनल पे आप डोनेट कर सकते हैं, बिकम मेंबर आल्सो. हमारा पर्पस होता है साइंस टेक्नोलॉजी वेद इन सबसे बेसिस पे रहता है, सोशल साइंस पुराण के एविडेंसेस पे. आज एक बहुत दुष्प्रचार चलता है रामायण में भगवान राम के विरुद्ध शंभू के वध पे. मुझे बहुत लोगों ने बोला इस पे बात करिए और मैंने स्वयं भी इतना ध्यान से नहीं पढ़ा था मैंने बहुत साल पहले था, लेकिन उसमें मैंने इतना सोचा नहीं था. बहुत जगह मैं कमेंट्स में लोगों को बता भी चुका हूँ कि ये वर्ण व्यवस्था थोड़ी अलग होती है. वर्ण व्यवस्था जहाँ भी होती है वहाँ पर समाज में सुख शांति रहती है. तो क्षत्रिय के गुण क्या हैं, ब्राह्मण के गुण क्या हैं, ये होते हैं. जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं उद्धव को, लक्षण के आधार पे आप समझ सकते हैं कि कौन किस गुण में, क्योंकि कलयुग में सब कुछ मिक्स्ड अप है. तो आज के समय में बड़ा मुश्किल होता है कि सारे क्वालिटीज को एक व्यक्ति में देखना एक्सक्लूसिवली, लेकिन ऐसा पिछले युगों में नहीं था. पिछले युगों में हर वर्ण जाति नहीं वर्ण जो था वो डिस्टिंग्विशेबल था. जैसे आप जब भगवद्गीता पढ़ते हैं 18 चैप्टर में 41 में जब बात होती है कि जो ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय, इन चारों को गुणों से पहचाना जाता है. ये बोला है भगवद्गीता में, जैसे श्लोक भी है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्र नाम च परंतपः कर्मणि विभक्तानि स्वभाव प्रवैर गुणे, ऐसे पहचाना जाता है. ठीक है, और ये सारी फोर कैटेगरीज हर सोसाइटी में रहती है. ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया में कोई टीचर नहीं होगा, मतलब ब्राह्मण नहीं होगा जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहेंगी. ऐसा नहीं है कि कोई पुलिसमैन नहीं होगा कहीं पर साउथ अमेरिका में, ऐसा नहीं होगा. चारों कैटेगरीज रहेंगी हर समाज में. तो सम दम तप शौचम शांतिर आर्जवम एवचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये 9 गुण हैं ब्राह्मण के. शम दम शौचम तो पीसफुलनेस सेल्फ कंट्रोल पेनेंस प्यूरिटी डिसेंसी शांति लॉयल्टी टू ट्रूथ आर्जवम नॉलेज ज्ञान और विज्ञान मतलब रियलाइज नॉलेज जैसे कि योग आस्तिक्यम मतलब वेदों को का पालन करना, ये 9 गुण हैं ब्राह्मणों के. 7 गुण होते हैं क्षत्रिय के. क्या होते हैं? शौर्य तेजो धृतिर दाक्षम युद्ध च पलायनम दानम ईश्वर भावश छात्र कर्म स्वभावजम, मतलब शौर्य मीन्स वी ऑल नो विच इज ब्रेवरी पावर डिटर्मिनेशन एक्सपर्टीज, युद्ध में पीठ नहीं दिखाना, चैरिटी दान करना और लीडरशिप ईश्वर कंट्रोलिंग नेचर, ये 7 क्वालिटीज हैं. वैश्य के 3 क्वालिटीज हैं, ये द्वापर की बात हो रही है क्योंकि भगवद्गीता द्वापर युग में बोली गई है. कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, अभी द्वापर के एंड में बोली गई है तो कलयुग का भी प्रभाव दिखता है, तो कलयुग के बारे में भी बोल दी गई है, अभी कलयुग चल रहा है. तो कृषि गोरक्षा वाणिज्यम एग्रीकल्चर गोरक्षा ट्रेड ये वैश्य कर्म है, और परिचर्यात्मकम और जॉब करना दूसरे की तीनों वर्णों की सहायता करना वेतन पर, फ्री में नहीं वेतन पर, किसी प्रकार का भी वेतन हो सकता है, बेनिफिट्स हो सकता है. जैसे अमेरिका में शुरू में पैसा नहीं देते थे, अगर कोई उनके फार्म में काम करता है उसको भोजन और घर दिया जाता था. ये अमेरिका की बात है, यूरोपियंस की बात है, यूरोप में तो बहुत शोषण होता है मनुष्यों का, है ना. तो ये अब आप ये 4 वर्णों का डेफिनेशन आपने समझा. अब बात करते हैं युगों की, युग किस प्रकार के थे. बिकॉज इफ अगर आपको युग का सिस्टम मालूम नहीं है तो आपको शंभू का पे हमेशा भगवान राम पर संदेह आएगा, क्योंकि आपको युग का परिभाषा नहीं मालूम है. और भगवान राम पे संदेह करना मतलब नरक जाने का ताला अपनी हाथ से खोल देना, और ये पाप बहुत सारे लोग करते हैं.
भगवान विष्णु पे कभी संदेह नहीं किया जाता, क्योंकि वो कोई भी कार्य करेंगे वो शास्त्र के अनुसार होगा और जो वैदिक परंपरा के अनुसार जो गुरु जो होगा उन्हीं का अनुसार होता है, वेदों के अनुसार होता है। और साथ में एग्जाम्पल सेटअप करने के लिए भगवान राम सभी मंत्रणा मिटाते हैं, मतलब कि एक जो ब्राह्मण के प्रति अन्याय हो गया उसके लिए पूरी की पूरी मंत्रिमंडल बैठ गया, इतना रिस्पेक्ट थी ब्राह्मणों की उस समय। क्योंकि बहुत ही मुश्किल काम होता है अपनी इंद्रियों को संयम में रखना और लोगों को मार्गदर्शन करना, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, ये हर किसी के बस का बात नहीं है। जैसे अभी कभी हम YouTube पे देखते हैं लोग एडवाइस करते रहते हैं फ्री में, और मैं इससे बहुत दूर रहता हूँ एडवाइस करने से, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं दूसरों को एडवाइस नहीं करता हूँ बिकॉज दैट इज नॉट माई फोकस। मैं आपको एक प्रेजेंट कर रहा हूँ कि एक शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, बस उतना ही। आपको क्या करना है वो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ बिगिन, लेट्स बिगिन कि एक ब्राह्मण उसके पुत्र की अकस्मात मृत्यु होती है और वो भगवान राम के महल के बाहर आके धरना देता है। क्या प्रॉब्लम है कि बालक की उम्र करीब 13 वर्ष या मतलब 5000 दिन है उसकी, और उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई। पहली बात तो भगवान राम के राज्य में पुत्र से पहले किसी बालक की अकस्मात मृत्यु हो जाए वह एक मतलब एक सरप्राइज है। यह राम राज्य की शक्ति है। पहले तो ये आप समझिए कि भगवान राम के राज्य में त्रेता और द्वापर की संध्या में भगवान राम आए हैं, तो द्वापर शुरू होने वाला है। मतलब अधर्म का एक पैर त्रेता युग में पड़ता है, अधर्म का दूसरा पैर पड़ता है द्वापर में, तो इसलिए उसको द्वापर बोला जाता है, उसको त्रेता बोला जाता है, और चौथा पैर पड़ता है, सारे पैर आ जाते हैं, वो आते हैं कलयुग में, ठीक है। तो आज का समय तो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो जस्ट इमेजिन, मूर्खता देखे लोगों की कि कलयुग में रह के आप त्रेता युग में भगवान राम के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। आपको आज का सोसाइटी का रूल तो मालूम है, अब मैं अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ पे तो लोगों का जेंडर भी मालूम नहीं है। अगर कोई बालक बोलता है कि मैं कुत्ता हूँ उसको कुत्ता ही माना जाएगा, ये अमेरिका है, ठीक है। आज के लोग इस तरह के समाज में रहने वाले लोग जज कर रहे हैं भगवान राम के त्रेता युग के इस इंसिडेंट के ऊपर। तो इस इंसिडेंट को ध्यान से सुनिए और फिर भगवान राम का और उनके मंत्रियों का तर्क वितर्क भी सुनिए ध्यान से कि अभी 8 मंत्री बैठ गए वहां पे मंत्रणा करने के लिए। मैं अपने नोट्स ले रहा हूं। 8 मंत्री बैठ गए, तो कौन कौन से मंत्री बैठे हैं उनके साथ, जो इससे बड़े बड़े मार्कंडेय मौद्गल्य वामदेव काश्यप कात्यायन जाबली गौतम नारद मुनि ये प्रॉब्लम बता रहे हैं। भगवान राम डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है सोसाइटी में, ये ब्राह्मण क्यों इतना प्रोटेस्ट कर रहा है। और भगवान राम के राज्य में किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाए बालक की पिता से पहले, वो दंडनीय, वो एक प्रकार का दंडनीय अशोभनीय इंसिडेंट है वहां पे। तो यहां पे भगवान राम का डिस्कशन सब देखिए। तो सतयुग का क्वालिटीज क्या है, सतयुग में एक ही वर्ण होता है, हंस वर्ण बोलते हैं कभी कभी, या ब्रह्म कर्म में जो लगे रहते हैं, या ब्राह्मण वर्ण। वहां पे कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, मनोवांछित चीजें उपलब्ध रहती हैं, सभी ब्राह्मण रहते हैं। त्रेता युग में एक पैर पड़ता है धर्म का। त्रेता युग में ये वाल्मीकि रामायण के आधार पर है, इसमें श्लोक भी है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बड़ा सरल तरीके से बता रहा हूं। त्रेता युग में जो है ऑक्यूपेशंस इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे कृषि, वाणिज्य, ये नया है सोसाइटी के लिए। तो क्षत्रिय धर्म भी आता है त्रेता युग में, तो त्रेता युग में प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। और कभी कभी त्रेता युग में क्षत्रिय और ब्राह्मण की समानता भी होती है। द्वापर युग में और ऑक्यूपेशंस ऐड हो जाते हैं, बाकी ऑक्यूपेशंस, और ब्राह्मण और द्वापर युग में कभी कभी वैश्य भी तपस्या करते हैं, अलाउड रहता है।
त्रेता युग में क्षत्रिय और ब्राह्मण के अलावा कोई और तपस्या नहीं करता। अच्छा, इसका क्या रूल क्या है? ऐसा नहीं है कि कोई तपस्या के लिए किसी को रोक लगी हो या वर्ण आप बदल नहीं सकते। एक एक जनरल रूल है, नॉट फॉर ऑल, क्योंकि पर्पस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ये बात देखिए, त्रेता युग में सारे देवता आते हैं पृथ्वी पे, कोई अनधिकृत व्यक्ति स्वर्गलोक की जाने में अपने कर्मों से विमुख होके जाने की कोशिश करे, देवताओं के पास जाने की कोशिश की, तो उनको भी पाप लगता है। तो ये मनुष्यों का काम था त्रेता युग में कि इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था हो जो मनु ने बनाई है, कि जहां पर सभी समाज के वर्ण अपने स्वधर्म का पालन करें। स्वधर्म मतलब जो उनको गुण और प्रकृति से उनको कर्म जो मिले हैं उनका पालन करें, जिस परिवार में जन्मे उस प्रकार का कार्य करें। क्योंकि उससे क्या होता है, देवताओं को पुण्य मिलता है। अभी आजकल देवताओं को कोई रिस्पेक्ट करता नहीं है, कोई अपने स्वधर्म पर ध्यान देता नहीं है। और मैं तो अपने आप को क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड ही मानता हूँ, लेकिन आज के समय में हम लोग भी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो त्रेता युग के मापदंड से कलयुग में जज करना भगवान राम को टोटली अनकॉल्ड फॉर, वो उसमें किसी प्रकार का, इट इज टोटली अनवॉरंटेड, या फिर किसी का क्वालिफिकेशन ही नहीं वो जज करने का। वो दूसरे युग की बात है, उसके नियम अलग हैं, उसमें लोग अलग हैं, उसमें लोगों की क्वालिफिकेशन अलग है, तो आप कैसे जज कर सकते हैं? तो अब ब्राह्मण ने ये याचिका रखी कि मेरे बालक की अकस्मात मृत्यु हुई है और इसके लिए राजा ही दोषी है, समाज में देखना पड़ेगा कहां पे अधर्म है जिससे मेरे बालक की अकस्मात मृत्यु हुई। और ये भी सत्य है कि द्वापर युग में या कलयुग में कभी कभी ऐसा भी होता है, रीजनल एरिया में सतयुग जैसी क्वालिटीज आ जाती है, त्रेता युग जैसी क्वालिटीज आ जाती है रीजनल एरिया में, अगर राजा शासक अच्छा हो तो। शासक के ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट है, इसीलिए शासक को ही धर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ब्राह्मण ने भगवान राम जो पृथ्वी के राजा है, लंका को उन्होंने जीत लिया, रावण का वध कर चुके हैं, वो उनके ऊपर लांछन लगा रहे हैं ये ब्राह्मण, और भगवान राम उसको स्वयं उत्तर देंगे। तो अभी ये तीन युगों का सिस्टम तो आपने समझा, अलग अलग सिस्टम है। और क्यों त्रेता युग में या द्वापर युग में या सतयुग में वर्ण की ड्यूटीज, कर्तव्य बेस्ड सोसाइटी है, राइट्स बेस्ड सोसाइटी नहीं है? ऐसा नहीं आप बोल सकते मेरा हक, बोलते गाना नहीं बोलते सदा हक, उस तरह का सोसाइटी नहीं है। तो इस तरह की सोसाइटी में जहां पे सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ फोकस, सेल्फ आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए वर्णाश्रम जो है पूरी दुनिया के लिए एक नेचुरल सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर है या सोशल सिस्टम है, जहां पे सभी लोग अपने स्वधर्म की रक्षा का दायित्व, उनके स्वधर्म की रक्षा का दायित्व गवर्नमेंट का है कि कोई वो अपने स्वधर्म के नियमों का उल्लंघन ना करे। इसका क्या बेनिफिट होता है? इससे बेनिफिट होता है कि लोग पीसफुली अपना कार्य कर सकते हैं और उसमें परफेक्शन ला सकते हैं। दैट वॉज द होल पर्पज ऑफ वर्णाश्रम सिस्टम, और वर्णाश्रम सिस्टम के माध्यम से ही सनातन धर्म की स्थापना होती है। अगर सनातन धर्म वर्णाश्रम से काट दिया जाएगा, उसकी स्थापना नहीं हो सकती। ये जो बेवकूफ लोग बात करते हैं, जैसे जो लोग रिफॉर्मर्स ब्रिटिश ने लगाए, राजा राम मोहन रॉय, ये सब बेवकूफ लोग हैं, मूर्ख व्यक्ति हैं सबके सब। इन लोगों ने ब्रिटिश को प्लीज करने के लिए भारत के वर्णाश्रम को तोड़ने की कोशिश करी, और उसके चक्कर में क्या हुआ, भारत गरीब हो गया। क्योंकि भारत में जो स्वतंत्रता थी इंडिविजुअल ऑक्यूपेशंस की, और इंडिविजुअल ऑक्यूपेशंस के माध्यम से एक अपना कंट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देने के लिए समाज में, उसको खत्म कर दिया गया। जो जितने भी भारत के जो गिल्ड्स थे, जो कोई चमार है, कोई इस तरह के गिल्ड्स हैं जो साथ में मिलके अपने स्किल्स भी बनाते हैं और अच्छे रथ बनाते हैं, अच्छे टूल्स बनाते हैं, इन सबको खत्म कर दिया गया। और इसलिए भारत को इंपोर्ट भी करना पड़ा दूसरे देशों से। वो अभी भी चल रहा है, वो मानसिकता अभी भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि 140 करोड़ लोगों में लोग प्लेन नहीं बना सकते, 140 करोड़ लोगों में लोग कोई टेस्ला जैसी कार नहीं बना सकते,
लेकिन वो जो गलत मानसिकता जो ब्रिटिश प्रोपेगेंडा की थी कि आप अपना काम नहीं करेंगे, आप दूसरों से मंगाएंगे, इसको बोलते हैं स्वधर्म का नाश। और ये स्वधर्म का नाश होने पर सोसाइटी अनप्रोडक्टिव बनती जाती है। अभी जैसे आप वेस्टर्न वर्ल्ड की जब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो टूल्स अच्छे बनाते हैं, कारीगर हैं, चमार हैं, मोची हैं, इंजीनियर हैं, ये खराब प्रोफेशन नहीं है, अच्छे प्रोफेशन है, वो टूल्स करता है, तो उनको फिलोसॉफिकल नॉलेज तो है नहीं, तो इसलिए उनको हमेशा मिलिच्छ या यवन बोला जाता है, क्योंकि वो टूल्स अच्छे बनाते हैं, उनके जो धर्म से विमुख है लेकिन टूल्स अच्छा बनाते हैं, कारीगर है। भारत में जब ये स्वधर्म, ये जो वर्णाश्रम को डिस्ट्रक्शन किया सो कॉल्ड रिफॉर्मर्स के द्वारा, तब उसके बाद से इंडस्ट्री जो लोकल क्राफ्टमैन इंडस्ट्री थी वो खत्म हो गई। इसकी वजह से भारत जो है पिछले 75 साल में एक उतनी उन्नति नहीं कर पाया, और ऑलरेडी ब्रिटिश ने तो लूट ही लिया था, उतना उन्नति नहीं कर पाया। अच्छा, इस स्टोरी पे आते हैं, ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दिया मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में मैंने कि क्यों इसको समझने की जरूरत है। तो त्रेता युग में जो अब भगवान राम के युग की जब बात हो रही है, क्षत्रिय और ब्राह्मण में समानता मानी गई है तपस्या के पर्सपेक्टिव में। क्या तपस्या करने का अधिकार क्षत्रिय को भी है, ब्राह्मण को भी है, शूद्र को नहीं है, वैश्य को नहीं है, ये सारे ऑक्यूपेशंस है, सारे गुण कर्म के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं, क्योंकि दशरथ महाराज स्वयं अपने हाथों से शूद्रों को खिलाते हैं और कभी कभी उनको गले भी लगाते हैं, भगवान राम ने भी गले लगाया और उनको भोजन करा, उनके घर पे भोजन करा और भोजन कराया अपने हाथों से। तो ये जो हेट्रेट वाला जो प्रोपेगेंडा है कि शूद्र खराब है और ये सब ब्रिटिश काल में शुरू हुआ, ये भारत के समाज में नहीं था, त्रेता युग में भी नहीं था। लेकिन यहां पर तपस्या करने का कारण क्या था, क्योंकि आजकल क्या होता है जो अनक्वालिफाइड लोग हैं जिन्होंने शंबुक वध के ऊपर भगवान राम पे लांछन लगाया, ऐसे लोगों के लिए ही पनिशमेंट होती है कि जो शास्त्रों का दुरुपयोग करके समाज को गलत दिशा में मोड़े, इन्हीं के लिए पनिशमेंट होती है। वो तो आज भी करना चाहिए भारतीय गवर्नमेंट को कि जो भी भगवान राम के चरित्र पर लांछन लगाता है उसको कठोर से कठोर पनिशमेंट दी जाए, कठोर से कठोर, क्योंकि ये जो है शास्त्रों को दुरुपयोग करना, तोड़ना और लोगों को भ्रमित करना, ये भी एक पाप कार्य है। इट शुड बी पिनलाइज्ड इन एनी क्रिमिनल सिस्टम फॉर मिसरिप्रेजेंटिंग मिस इन्फॉर्मेशन। तो त्रेता युग के सिस्टम की बात हो रही है, तो त्रेता युग में वैश्य और शूद्र को तप का अधिकार नहीं है। तो जब भगवान राम ने पूछा कि कारण क्या है इसी अकस्मात मृत्यु हुई है, देखिए सोसाइटी जो है वर्णाश्रम एक में अगर कहीं किसी अंग में प्रॉब्लम हुई तो दूसरी तरफ इंपैक्ट होता है। बड़ा साधारण सा एग्जांपल है कि अगर कहीं पे महामारी फैली समाज में, तो अगर कहीं पे फैली तो दूसरी जगह भी फैलेगी, वो बड़ा सिंपल सा उदाहरण है। या फिर अगर कहीं पे अनरेस्ट है, कहीं पे लोगों के पास जॉब नहीं है, कहीं पे ऑक्यूपेशन नहीं है, तो वो प्रॉब्लम दूसरी जगह पे इफेक्ट होती है। तो अगर किसी के कार्य से सरप्राइजिंग एक ब्राह्मण के एक बालक की मृत्यु हुई इतनी सारी पॉपुलेशन में, उसके लिए पूरा स्टेट सोच रहा है, जैसे सोचिए कि पूरा राजतंत्र कितना कॉन्शियस है कि एक व्यक्ति की प्रॉब्लम को एड्रेस करने की बात हो रही है। तो भगवान राम के सामने पहुंचा तो नारद मुनि ने बताया कहीं आपके राज्य में कोई वर्णाश्रम का उल्लंघन कर रहा है। भगवान राम ने तुरंत पुष्पक विमान बुलाया, बोला आ जाओ। पुष्पक विमान आए, पुष्पक विमान एक व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत हुए, क्या आज्ञा है पूछा उन्होंने, और भगवान राम ने बताया। भगवान राम ने दो तरकस लिए, अपना धनुष लिया, तलवार रखी और भरत और लक्ष्मण को बोला कि तुम राज्य संभालो, क्योंकि शत्रुघ्न जो है सेना का संचालन कर रहे हैं, और वो स्वयं अकेले उड़े, क्योंकि राजा का दायित्व है, राजा का दायित्व है न्याय पहुंचाना। आजकल क्या कर दिया है, जुडिशियरी को अलग कर दिया है, तो राजा तो न्याय की बात करता नहीं है, ब्रिटिश कोर्ट्स बना दिए, लोन ब्रिटिश कोर्ट्स ही चलता है,
वो तो मोनार्की को बचाने के लिए बनाया था ना, सेपरेट जुडिशियरी सिस्टम. अदरवाइज हमारे राजतंत्र में भूपाल लोकपाल राजाओं को ये पूरा दायित्व है कि न्याय को देना, इसीलिए उनको न्याय की शिक्षा दी जाती है, रिस्पॉन्सिबल है सोसाइटी में. अभी जुडिशियरी सेपरेट है तो राजा भी जुडिशियरी के अंडर आ गया, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, राजा अपना कोई फ्रीली एक्शन कर नहीं सकता. और ये जो सिस्टम है ये कॉलोनियल सिस्टम है, इसीलिए आज किसी को न्याय मिलता भी नहीं है. पर यहां पे भगवान राम स्वयं न्याय देंगे. और उन्होंने पहले उत्तर दिशा में गए, पश्चिम में गए, फिर वो उत्तर पूर्व में गए, फिर दक्षिण में आए. तो एक जो पहाड़ का नाम जिसपे जहां पे लिखा हुआ है वो है शास्त्रों में शैवल. शैवल पर्वत का जो नाम है उत्तर भाग में, उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया. तो वहां पे उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया जो उल्टा लटक कर तपस्या कर रहा था. हमारे शास्त्रों में कभी भी शरीर को यातना देना उसको तपस्या नहीं बोला जाता. शरीर को यातना नहीं दी जाती, शरीर को कभी भी शास्त्रों को नियमों के उल्लंघन के बाहर तपस्या नहीं होती, नियम के अनुसार होती है. इसीलिए होता है कि रात में देर रात को आप आरती नहीं कर सकते, या फिर आप जब भगवान का राजभोग लगता है, बहुत सारे नियम है पंचरात्रि का, में आप पढ़ सकते हैं, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, बहुत सारे नियम होते हैं. तो ये एक नियम है, हर जगह शास्त्रों में नियम है, यम नियम, जो कर सकते हैं जो नहीं कर सकते, वो दोनों है डूज एंड डोंट्स. सो यहां पर ये व्यक्ति घनघोर तपस्या कर रहा है, तो भगवान राम उसके पास जाके पूछते हैं कि आप कौन हैं, किस वर्ण से हैं, क्यों तपस्या कर रहे हैं. वो व्यक्ति बोलता है कि मैं शूद्र वर्ण से हूं, मतलब कि मैंने किसी का परमिशन लिया नहीं है, सोसाइटी में रूल अवेलेबल नहीं है, सोसाइटी में नियम नहीं है. ये त्रेता युग की बात हो रही है, अगेन क्लैरिफाई कर दो, त्रेता की बात हो रही है. क्योंकि जैसे आजकल क्या होता है, अगर आप अमेरिका में हैं, ऐसा तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप रॉकेट्स बना सकते हैं, रॉकेट मोटर्स बना सकते हैं, लॉन्चर्स बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, आपके ऊपर स्टेट केस हो जाएगा अगर आप बनाते हैं तो. ये अमेरिका की बात हो रही है, आपके ऊपर जो काउंटी है उसका जो भी लोकल ऑफ एनफोर्समेंट है आपको क्वेश्चन करेंगे, ये अमेरिका की बात हो रही है. आपने यूट्यूब पे सीख लिया मेडिकल प्रोसीजर सीख करना, आप किसी को भी काट नहीं सकते, आपको जेल हो जाएगी. ये आज के कलियुग की बात हो रही है, और वो अमेरिका की बात हो रही है. इंडिया में भी सिमिलर रूल्स रखते हैं कि अनक्वालिफाइड, आप किसी का चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते अगर आप सीए का एग्जाम पास नहीं किया है, ऐसा होता है. इसी प्रकार का नियम है कि आप तपस्या करने के लिए आपको एक प्रॉपर आश्रम में जाकर किसी एक प्रोसेस के थ्रू आपको वो तपस्या करनी पड़ेगी, वो अलाउड है. वर्ण बदल सकते हैं त्रेता युग में भी, हमको वो कहानी मालूम है विश्वामित्र वाली. विश्वामित्र की कहानी त्रेता युग की है, वो क्षत्रिय से ब्राह्मण बने, तो वर्ण बदल सकते हैं वहां पर भी. तो ये बिना किसी परमिशन के ये तपस्या में लगे थे, और उद्देश्य क्या था, स्वर्ग को मैं जीत लूं, रावण वाली माइंडसेट. भगवान राम ने सुना और तुरंत दंड दिया तलवार से, और फिर उसके बाद सारे देवता आ गए, यमराज आ गए, सबने फूल की वर्षा करी, और भगवान राम ने बोला कि मेरे जो उस बालक की अकस्मात मृत्यु हुई है. अच्छा, उसके पहले लक्ष्मण को बोलते हैं कि उस बालक के शरीर को तेल में रख दो ताकि उसको शरीर ऐसा के ऐसा ही रहे. मतलब पूरा नॉलेज था भगवान राम को किस प्रकार से बॉडीज को प्रिजर्व किया जाता है, और प्रिजर्व बॉडी को किया. फिर उसके बाद उन्होंने, भगवान लक्ष्मण ने प्रिजर्व किया, तो देवताओं ने बोला, इंद्र ने बोला, आपने जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, वो बालक ऑलरेडी जीवित हो चुका है, वो पहुंच चुका है अपने सगे संबंधियों के पास, अपने माता पिता के पास. तो ये इस बात पर सभी देवताओं ने साधुवाद किया, सारे ऋषि मुनियों ने साधुवाद किया,
नारद मुनि ने सावधान किया, क्या आजकल के लोगों को लगता है कि इन लोगों के पास बुद्धि नहीं थी, देवताओं के पास बुद्धि नहीं थी? ऐसा लगता है आज के लोगों को? क्या देवताओं ऋषि मुनियों के पास बुद्धि नहीं थी? वामदेव वशिष्ठ इतनी बड़ी बड़ी बातें लोग जिनके आधार पे पुस्तकें रखी हुई है पीछे मेरे, यो वशिष्ठ बोलने वाले वशिष्ठ मुनि को के पास बुद्धि नहीं थी? तो क्या आज के लोग उनसे ज्यादा बुद्धिमान है? अगर बुद्धिमान है तो दिखाए अपनी बुद्धिमत्ता, किस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं, क्या सुखी है? तो ये कलयुग के लोगों को जज करना त्रेता युग के नियमों का एक पूर्ण मूर्खतापूर्ण मूर्खता की पहचान है पूरी तरह से। कठोर शब्द इसलिए बोल रहा हूं, कभी कभी साधारण शब्दों को समझ में आते नहीं है। तो शंभुक वध जो है त्रेता युग की कहानी है, वहां के नियमों के अनुसार की कहानी है, उस समय के लॉ की कहानी है, उसको कलयुग में आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग में आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है जज करने के। आप में से कोई स्वयं का पालन करता है बिना, कोई आप में से कोई गायत्री करता है, कितने लोग गायत्री करते हैं जज करते हैं, कितने लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, कितने लोग शयन करने के लिए भी नियम होते हैं, कितने लोग पालन करते हैं? अगर आप वो सब पालन करें तो आपके घर में स्वर्ग लोक आज आपके घर में सतयुग आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो आपको कोई राइट्स भी नहीं है जज करने का। तो पहले अगर आपको त्रेता युग की कहानी को जज करना है तो आपको त्रेता युग की क्वालिटीज भी रखनी पड़ेंगी, कलयुग माइंडसेट से, कलयुग क्वालिफिकेशन से कुछ लाइन पढ़ लेने से आपको भगवान राम को जज करने का कोई किसी ने अधिकार नहीं दिया। तो भगवान राम ने जो कार्य किया उस प्रकार के, अब कलयुग में हम उसको किस तरह यूज करें? तो आज का नियम है कृतये ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम अजितो मखे द्वापरी परिचर्यायाम कलौत धरि कीर्तनात्। तो आज का धर्म है हरिनाम, है ना, ये हरिनाम नियम है। कलेर दोषे निधे राजन अस्थिय कुमान, ये दोषपूर्ण समय है, हर प्रकार से दोष है। मैं यहां पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, हजारों दोष हो सकते हैं मेरे चारों ओर, एक नहीं दो नहीं हजारों हो सकते हैं, लेकिन एक गुण है यहां पे, भगवान का हरिनाम लेने से मुक्त संग परम व्रजित, ये जो बुरी आत्मों का संग छूट जाएगा और परम व्रजित हमको साकेत धाम की प्राप्ति होगी। तो मेरा आपसे यही विनती है कि शंभुक वध को युग के नियमों के अनुसार ही देखें, और जब आप उस अनुसार देखते हैं तो राजा राम, भगवान राम के कार्यों से हमको इंस्पिरेशन मिलती है कि आज हम कलयुग में हमारे राजा के पास इतनी क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि राजा का कर्तव्य दंड देना, वो दंड दे खुलकर दंड दे, लेकिन जो उनके सलाहकार होने चाहिए वो सारे परंपरा में शास्त्र नीत और वैदिक मानसिकता से सोचने वाले व्यक्तित्व होने चाहिए, और उनका स्वयं का आचरण, स्वयं का की श्रद्धा और स्वयं का जो बिहेवियर है, सॉरी आचरण तो बोल दिया, जो स्वयं की जो पढ़ाई लिखाई है वो वेदों के माध्यम के से होनी चाहिए, ताकि उनको सही निर्णय ले सके और प्रजा का हर व्यक्ति न्याय पाए जैसे इस ब्राह्मण के ने न्याय पाया। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, नमस्ते, जय श्री राम, और हम सभी को राम मंदिर के खुलने का बहुत इंतजार है, और सैन डिएगो में हम धूमधाम से मनाने वाले हैं राम मंदिर, राम लला के आने की। ये जो विशेष श्रृंखला भी मैं रेगुलरली बात कर रहा हूँ तो उसमें भी जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए सत्यालोजी को। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और वॉलंटियर पोजिशन भी हमारी खुलने वाली है, जिसमें आप जुड़ के हमारे साथ डिजिटल एरिया में काफी काम कर सकते हैं। डू राइट टू मी एट सत्यालोजी @sathology.org। थैंक यू एंड नमस्ते।